हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईके टैब। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल डिस्कशन फॉर 18th ऑफ फरवरी। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इंडिया और यूएई के बीच का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है वो कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और कितना इंपॉर्टेंट है यूएई के लिए। सो दोनों ही कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर एफटीए को जल्दी साइन करने की दोनों इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सो इंडिया और यूएई जो रिसेंटली एफटीए साइन कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम समझेंगे। एंड सेकंड विल टॉक अबाउट अ प्लेनेटरी एडजस्टमेंट। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे कि जो हमारे एनवायरमेंट है वो कितनी ज्यादा फ्रेजाइल हो गई है और किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट के अंदर काफी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से हमारा जो चेंजेस वगैरह आ रहा है वो ह्यूमंस के कारण आ रहा है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन सब चीजों को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। देखिए, इसके अलावा जो बाकी जितने भी एडिटोरियल्स है वो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द रोड सेफ्टी वाला जो भी डेटा वगैरह प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर काफी सारा डेटा है, और सेकंड चीज, रोड सेफ्टी के ऊपर एक अच्छा एडिटोरियल हमने ऑलरेडी पास्ट में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो वी हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स, तो इसके अंदर कोई भी न्यू पॉइंट्स यहां पर मेंशन नहीं है। सिमिलरली, ये वाला जो है दिस टॉक्स अबाउट अगेन पोस्ट कोल्ड वॉर की सिक्योरिटी है, क्या वो चेंज हो रहा है यूरोप के साइड में, यानी कि दिस टॉक्स अबाउट रशिया और यूक्रेन के जो टेंशन वगैरह चल रहे हैं उसके बारे में। नाउ अगेन, यू मस्ट रिमेंबर कि जो रशिया और यूक्रेन का टेंशन चल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और इस रीजंस को हमने पास में डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट इज कुछ रशिया के कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स है, राइट, कुछ कंसर्न्स है। और सेकंड देखिए, एक तरफ आता है रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स, एंड सेकंड तरफ आता है जो नेटो है, नेटो यानी कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है लेड बाय द यूएसए, उसके कुछ एक्सपेंशनिस्ट ओपन डोर पॉलिसी है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, इसी कारण कहीं ना कहीं ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी जो इशू इमर्ज हुई है यूरोप के अंदर, उसका मेन रीजन यही है, रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स वर्सेस नेटो का एक्सपेंशन पॉलिसी। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर, जब भी आपको कोई आंसर लिखना हो, जब भी आपको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचना हो, तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन दिस पर्टिकुलर वे। ठीक है, एक तरफ रशिया को सोचिए जो अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को बचाने की कोशिश कर रहा है थ्रू ऑब्वियसली, एक तो हो गया उसका ब्लैक सी, सेकंड हो गया यूक्रेन, जॉर्जिया, बुल्गारिया, इन सबको चाहता नहीं है कि वो नेटो का मेंबर बन जाए, और थर्ड ये है कि यूक्रेन के अंदर जो कुछ क्राइसिस वगैरह चल रहा है, इंटरनल क्राइसिस चल रही है, उसको वो मिंस्क प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना चाहता है। ये मेन रशिया के कंसर्न्स है। और अगर आप नेटो की बात करेंगे, नेटो जो है वो चाहता है कि जो कम्युनिस्ट पॉलिसी है जो कि रशिया के अंदर फॉलो की जाती है उसको पूरी तरीके से हटाया जाए। सेकंड चीज, ये यूक्रेन, जॉर्जिया, बुल्गारिया, इन सारी की सारी कंट्री को नेटो के अंदर मिलाया जाए। ठीक है, ब्लैक सी के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया जाए। पॉइंट इज कि इन्हीं दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम है ना, उसी कारण यूरोप के अंदर सारे के सारे ये सिक्योरिटी के इशूज इमर्ज हुए हैं। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन्स। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल के बारे में जो कि हमारा इंडिया और यूएई के एफटीए से रिलेटेड है डायरेक्टली। ठीक है, सो मैं बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से इंडिया और यूएई ऑयल के बियॉन्ड जाकर अपने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अपने ट्रेड को यहां पर इमर्ज करना चाहते हैं। नाउ बिफोर गोइंग ऑन इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप में, सबसे पहले हम बात करते हैं एफटीए के लिए, मतलब एफटीए जो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही इंडिया के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एफटीए? एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सिंपल वर्ड्स में, दो कंट्री अगर साथ में मिलकर एक एफटीए साइन करती है, इसका मतलब है दोनों कंट्रीज एक दूसरे को अश्योर करती हैं कि हम आप सामने वाली कंट्री को फ्रीली अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड करने देंगे। सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यह है कि दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होगा कि हम मतलब सामने वाली कंट्री को अपनी कंट्री के अंदर फ्रीली ट्रेड करने देंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप पिछले एक से दो सालों के अंदर देखेंगे तो इंडिया ने एफटीए को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के साथ इंडिया लगातार एफटीए साइन कर रहा है। इसका मेन फोकस क्या है? बिकॉज अगर आप देखेंगे, इंडिया एक बहुत ही फास्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की तरह बन रहा है। अगर आपको याद होगा तो हमने वेरियस इकोनॉमिक सर्वे के जो लेक्चर्स हैं, जो पास्ट के जो एडिटोरियल के एनालिसिस हुए, उसके अंदर हमने एक चीज जो देखा है वो ये है कि इंडिया मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और सर्विसेज एक्सपोर्ट दोनों के अंदर काफी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन काफी फास्ट हो रहा है। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है और अगर हमें दूसरे कंट्री के अंदर बेचना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए मार्केट एक्सेस। इसलिए उस मार्केट एक्सेस को पाने के लिए हम डिफरेंट कंट्री के साथ एफटीए साइन कर रहे हैं, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ताकि जो इंडिया के डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको एक इंटीग्रेशन मिले, उनको एक टाइप का मार्केट मिले ऑन अ ग्लोबल वैल्यू चेन, मतलब ग्लोबल बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो मार्केट्स वगैरह हैं, ग्लोबल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उसके अंदर उनको इंटीग्रेशन मिले, मतलब वहां पर उनको चांस मिले। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था जहां पर उन्होंने ये बोला था कि इंडिया अभी के टाइम में एफटीए साइन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज एक पर्टिकुलर वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। जैसे सपोज वो इंडिया अगर यूएई के साथ एफटीए साइन करने की बात कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज यूएई इज अ मेंबर ऑफ जीसीसी, यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और यूएई के थ्रू इंडिया मतलब जीसीसी का मेंबर बनना चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट इज, इंडिया एफटीए साइन इसलिए करना चाहता है बिकॉज इंडिया की जो एनर्जी जो भी हमारी जो डायनामिक्स है वो काफी चेंजेस हो रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह इमर्ज हो रहे हैं, और हमारी इंडियन इकॉनमी जो है वो इतनी स्ट्रांगली मूव कर रही है कि वी एक्चुअली नीड अ मार्केट, हमें एक ऐसा मार्केट चाहिए जहां पर अपने सामानों को हम यहां पर एक्सपोर्ट कर सकें। ये हमारा मेन एम है। ठीक है, इसी चीज के लिए हम यहां पर अपने एफटीए को इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज इंडियाज एफटीए प्लान, एग्जैक्टली प्लान क्या है? हम अभी राइट नाउ टोटल 6 कंट्री के साथ एफटीए को पुश कर रहे हैं, मतलब साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर यूएई एट द टॉप चल रहा है। ठीक है, यूएई सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा यूएई के अलावा वी हैव यूके,
इंग्लैंड, देन यू वी हैव यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट कंट्रीज, वी हैव ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल एंड देन वी हैव गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. ठीक है, दीज आर द सिक्स कंट्रीज और आप सिंपल समझ सकते हैं सिक्स यहाँ पर रीजन है. देखिए कंट्रीज कौन कौन सी है, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और दो रीजन है, यानी कि वन हो गया यूरोपियन यूनियन और वन हो गया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. ठीक है, इन सारे के सारे कंट्री के साथ हम अलग अलग तरीकों से एफटीए साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इन सारे ही कंट्रीज एंड रीजन के साथ हम यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड लिंक को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए एक तरफ होता है हमारा एफटीए साइन होना, अगर आपका किसी कंट्री के साथ एफटीए साइन हो जाता है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो उसके बाद आप इस पर्टिकुलर अपने रिलेशनशिप को एक और स्टेप ऊपर लेके जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए. जहां पर आप देखिए जब आप एफटीए साइन करते हैं ना, तो आप एक कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर साइन करते हैं. जस्ट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि इंडिया किसी एक एक्स वाई जेड नाम की कंट्री के साथ कोई एफटीए साइन करता है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि राइट नाउ अभी हम जो भी एफटीए साइन करेंगे दैट विल बी इन द सेक्टर ऑफ ऑयल. ठीक है, दैट विल बी इन द सेक्टर ऑफ जस्ट सपोज जो मनी का सर्कुलेशन मतलब उसके फील्ड में, एंड मान लीजिए कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, सिर्फ तीन इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर साइन करेगा. बट व्हेन मतलब दोनों ही कंट्री एक दूसरे के ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर देंगे, दे विल डेफिनेटली साइन कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए, एंड दैट कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए कैन बी मच मोर देन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए जो होता है वो एफटीए से ऊपर होता है. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में तो यही मेन है, मतलब एम हमारा यही है कि इन छह कंट्री के साथ सबसे पहले यहां पर एफटीए साइन किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे उनको एनलार्ज कर दिया जाए इनटू कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए, मतलब सबके साथ अपने रिलेशनशिप को पुश करना है और ज्यादा इंक्रीज करना है. रिसेंटली यूए के साथ हमने अपना जो एफटीए का जो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है उसको रिसेंटली रिलीज किया है. हमने बोला है कि हम जल्दी ही यूए के साथ अपना एक एफटीए साइन करने वाले हैं, बट अगर आप सेकंड तरफ देखेंगे तो यूए खुद भी दूसरी कंट्री के साथ एफटीए साइन करना चाहता है. नाउ यूए ने रिसेंटली 2021 के सितंबर के अंदर उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि टोटल 8 डिफरेंट कंट्री के साथ बायलेटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स को और ज्यादा पुश करना चाहते हैं, टोटल 8 कंट्री के साथ, एंड उस 8 कंट्री में द फर्स्ट कंट्री वॉज इंडिया. ठीक है, जस्ट Try to remember this particular thing. देखिए इंडिया ने जो अपना लिस्ट बनाया, इंडिया ने अपने उसमें 6 टोटल कंट्रीज का नाम दिया, जैसे मैं आपको पीछे बताया, ये देखिए यहाँ पर टोटल 6 कंट्री का नाम बताया और 6 कंट्री के अंदर टॉप पे कौन था, इट वॉज यूए. तो सबसे पहले इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया यूए को. ठीक है, अब देखिए सिमिलरली यूए ने अपना लिस्ट बनाया, उसके अंदर टोटल 8 कंट्री का नाम दिया, उसके अंदर सबसे टॉप पे कौन सा था, इंडिया. तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही कंट्री एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, दोनों ही कंट्री एक दूसरे को एक्चुअली ट्रेड करने के लिए काफी मोटिवेट कर रहे हैं और एक दूसरे की काफी हेल्प चाहते हैं. इंडिया के अलावा जो यूए है वो और कहां कहां ट्रेड कर रहा है, देखिए ध्यान से, यूके, टर्की, साउथ कोरिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इसराइल एंड कीनिया. देखिए यूके ऐसा है जो कि इंडिया और जो हमारे यूएई है दोनों ही इस चीज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं यूके के साथ. इसके अलावा टर्की, साउथ कोरिया, इथियोपिया, सोचिए अगर यूएई इन सारी की सारी कंट्री के साथ यहां पर ट्रेड साइन करना स्टार्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी यूएई के थ्रू यहां पर कुछ ना कुछ मार्केट मिल जाएगा. पॉइंट इज उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ये समझिए यूएई ने अपने रिसेंटली डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसके अंदर उसने टोटल 8 कंट्रीज का नाम बोला था जिसके साथ हम एफटीए साइन करना चाहते हैं. टॉप पे इंडिया थी, टोटल 7 कंट्रीज और थी उन्होंने, और यूएई ने ये बोला था कि अगले एक साल के अंदर यानी कि विद इन वन ईयर हम इन 8 कंट्री के साथ यहां पर एफटीए साइन कर लेंगे, ये उनका एम है. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई यूएई, इंडिया यूएई के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूएई. देखिए यूएई पिछले कुछ सालों के अंदर एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब की तरह इमर्ज हुआ है, नॉट जस्ट इन मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया बट ऑल्सो ग्लोबल लेवल के ऊपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह इमर्ज हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटजिक लोकेशन. नाउ व्हाट इज इट्स स्ट्रेटजिक लोकेशन, पहले हम वो समझते हैं. मैप को ध्यान से देखिए, दिस इज इंडिया, इंडिया के पास में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान. ठीक है, अब देखिए ईरान, इराक, सऊदी, यमन, ओमान, यूएई, दिस कंट्री इज कॉल्ड एज यूएई, सिंपल वर्ड्स में. ऑलराइट, अब देखिए इन सारे कंट्री को जो मैंने आपको बताया, इन सारे कंट्री को देखेंगे अगर आप, दे आर यू नो एक टाइप से दे आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज यानी कि अगर इन सारे के सारे कंट्रीज को कोई भी ऑयल यहां से निकालना है और इस साइड में बेचना है तो दे विल हैव टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर पार्ट. राइट, नो जब वो इस पर्टिकुलर पार्ट को पार करेंगे तो एक्चुअली दे विल यू नो मतलब दे विल नीड द देखिए दिस इज यूएई, तो यूएई एक बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेटेड है बिकॉज वो सारे के सारे ऑयल को प्रॉपरली चेक कर सकता है, वो एग्जैक्टली प्रॉपरली देख सकता है कि कोई पर्टिकुलर ऑयल जो है कितने सही से आ रही है फिर कितने सही से नहीं आ रही है, मतलब उसको प्रॉपरली एक टाइप का मॉनिटर करने के लिए, पुलिसिंग करने के लिए यूएई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही स्ट्रेटजिक रोल प्ले कर रहा है. दिस इज द पोजिशन ऑफ यूएई. ठीक है, इसलिए यूएई को एक बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड कंट्री कहा जाता है. Alright, आप इसी को समझ गए कि उसका एक स्ट्रेटजिक लोकेशन क्यों है. नाउ सेकंड चीज समझिए, यूएई ने रिसेंटली अपना एक विजन 2021 निकाला है, मतलब उसने अपना एक डॉक्यूमेंट निकाला है जिसमें उसने अपने विजन की बात की है कि हम क्या करना चाहते हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट वी वांट टू डाइवर्सिफाई आवर इकोनॉमी, मतलब यूएई अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहती है. और यूएई अभी तक पूरी तरह से ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट थी, मतलब अगर ऑयल बिका तो यूएई के पास पैसा आएगा, ऑयल नहीं बिका तो यूएई के पास पैसा नहीं आएगा. बट द पॉइंट इज कि दे वांट टू डाइवर्सिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम ऑयल से नॉन हाइड्रोकार्बन सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन हाइड्रोकार्बन समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइड्रोकार्बन सेक्टर. राइट, सो हाइड्रोकार्बन सेक्टर का सीधा सा मतलब ये है कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर हाइड्रोजन प्लस कार्बन दोनों चीजें प्रेजेंट हो. नाउ देखिए अब ध्यान से याद कीजिए, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, कार्बन इज अ फ्यूल, तो व्हाट डज इट एक्चुअली मींस, हाइड्रोकार्बन इज एक्चुअली अ फ्यूल. ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स में समझिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कोई भी क्रूड ऑयल,
ठीक है, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दीज ऑल आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन थिंग्स। ठीक है, मतलब सिंपल हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स के अंदर वी हैव क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर्स। आई होप आप समझ गए कि एक्जैक्टली हाइड्रोकार्बन क्या है। किसी भी टाइप का जो ऑयल होगा या फिर क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे या फिर उसके बने हुए कोई भी चीज होंगे, दे ऑल विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज नॉन हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स? नॉन हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स मींस फॉसिल एनर्जी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी चीजें हैं, वी हैव सोलर एनर्जी, वी हैव विंड एनर्जी, वी हैव टाइडल एनर्जी, ये सारी की सारी जो एनर्जी है दैट कम्स अंडर नॉन हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली यूएई वांट्स टू डू। यूएई अभी तक ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, मतलब ऑयल को बेचकर अपना सारे का सारा जो इकोनॉमी है उसको रन करने की कोशिश करता है। बट राइट नाउ यूएई सेइंग कि हमें इस पर्टिकुलर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है, ऑयल के ऊपर रिड्यूस करके हमें नॉन हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स की तरफ भी जाना है। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑयल हमें जाना है सोलर, विंड, जो ये सब एनर्जी है, और इसके अलावा अपनी ट्रेड की और अपने सर्विसेज को यहाँ पर इंप्रूव करना है। मतलब हम सिर्फ ऑयल के ऊपर नहीं बैठे रह सकते। द पॉइंट इज कि 2012 से यूएई लगातार इस चीज के पीछे ग्रोथ कर रहा है, इस चीज के ऊपर कोशिश कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे, एंड इट इज सेड दैट इट हैज सक्सेसफुली डाइवर्सिफाइड इट्स इकोनॉमी। बहुत ही सक्सेसफुली उसने इस चीज को किया भी है। नाउ कौन कौन सेक्टर के अंदर किया है उसको हम थोड़ी देर में समझते हैं, बट राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि यूएई ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर लिया है, जिसमें बेसिकली देखा गया है कि देखिए ऑल्दो उसने बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अब वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया यूएई, जो हाइड्रोकार्बन था उसके अलावा भी, बट स्टिल अभी भी अगर आप देखोगे तो हाइड्रोकार्बन सेक्टर जो है यूएई के अंदर बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब सोचिए इसको छोड़ने के बावजूद, मतलब इसके ऊपर से मेन चीज हटा, मेन फोकस हटाने के बावजूद अभी भी हाइड्रोकार्बन सेक्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रह रहा है यूएई के अंदर। और सेकंड नंबर पे वी हैव सर्विसेज जो कि यूएई के मतलब अंदर है, तो डिफरेंट टाइप के सर्विसेज, डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एक्चुअली यूएई प्रोवाइड करता है। सो अगर हम यूएई को देखते हैं, देखिए अगर आप यूएई का पूरा जो बिजनेस प्लान है अगर आप उसको समझेंगे, तो राइट नाउ यूएई के टॉप पे जो सबसे ज्यादा जो मतलब प्रोड्यूस होता है दैट इज हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो ऑयल वगैरह है। सेकंड नंबर पर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, एंड थर्ड नंबर पर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में यूएई अभी खुद को इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है, बट हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इट हैज ऑलरेडी इमर्ज और एक ग्लोबल प्लेयर की तरह इमर्ज हुआ है। नाउ जो ये सर्विसेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली कौन से सर्विसेज यूएई प्रोवाइड करता है? वी हैव डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज? सिंपल वर्ड्स में बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, ये सब चीजें जो है ना जो कि पैसा का लेन देन करता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल सर्विसेज। देन वी हैव होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। मतलब यहां पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे सामान को इसने बनाना स्टार्ट कर दिया एट होलसेल लेवल एंड एट रिटेल लेवल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल लेवल? होलसेल लेवल का सीधा सा मतलब है जब आप एक बार में 100 केजी खरीदते हैं और उस 100 केजी को आप बेचना स्टार्ट करते हैं, तो मतलब सिंपल आप एक साथ में बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं और डायरेक्टली एट द फैक्ट्री प्राइस है, डायरेक्टली आप फैक्ट्री से खरीद रहे हो, दैट थिंग इज कॉल्ड एज होलसेल। एंड रिटेल का मतलब है सिंपली आप शॉप पे जाओगे और अगर आप एक केजी चीनी लेकर आओगे दैट विल बी कॉल्ड एज रिटेल। ठीक है, दैट्स अ मेन डिफरेंस। तो सर्विसेज के अंदर देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज उसने मतलब इंक्रीज कर दिया है, होलसेल और रिटेल ट्रेड उसने इंक्रीज कर दिया, और साथ ही साथ उसने रियल स्टेट के सेक्टर में और बिजनेस के सर्विसेज में इन सब में भी यूएई ने अपने आप को काफी ज्यादा फॉर्मली एस्टैब्लिश कर दिया। नाउ हम क्यों ये सब डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों, मतलब ये सब हमारे काम का क्यों है? हमारे काम का इसलिए है बिकॉज देखिए ये सर्विसेज जो है ये डायरेक्टली यूएई इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब ये डायरेक्टली इंडिया इस पर्टिकुलर सर्विसेज का यूज कर सकती है जब यूएई अपनी कंपनीज को डायरेक्टली इंडिया बेच सकता है। सो एक्चुअली फाइनेंशियल सर्विसेज का जो यूएई के अंदर फायदा हो रहा है, सेम फायदा हम इंडिया के अंदर उठा सकते हैं, सेम फायदा जो होलसेल एंड रिटेल ट्रेड का यूएई के अंदर हो रहा है, सेम चीज को हम इंडिया के अंदर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली रियल स्टेट और बिजनेस सर्विसेज, इन सब चीजों को हम डायरेक्टली इंडिया के अंदर यूज कर सकते हैं। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस। अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं कि एक्जैक्टली हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव होना कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए ऑल्दो जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो तो 1972 में ही बन गए थे, मतलब इंडिया और यूएई को काफी अच्छे रिलेशनशिप उस टाइम बनने स्टार्ट हो गए थे, बट ये काफी ज्यादा डॉर्मेंट फेज में बैठा हुआ था। डॉर्मेंट मींस कि मतलब ऑल्दो रिलेशनशिप था हमारा, बट कोई मीटिंग नहीं होती थी कभी भी, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट मिलते नहीं थे, राइट, कोई भी बातचीत नहीं होती थी। बट फाइनली इट वॉज इन 2015 में, देखिए क्या होता है जब न्यू गवर्नमेंट आती है, यूपी की गवर्नमेंट आती है, जहां पर जो ये मोदी गवर्नमेंट आती है, तो मोदी जी देखिए जब मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 के अंदर, तो मोदी क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ जाकर बायलेटरल मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो 2015 के अंदर ही वेंट टू यूएई, ठीक है, अगस्त 2015 के अंदर, मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंस डे वाला टाइम था उस टाइम के पास पास में वो जाते हैं, और उस टाइम एक्चुअली वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन करके आते हैं। बिकॉज देखिए हम ऑलरेडी यहाँ पर यूएई हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तो ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी था, हम उस चीज को इंप्रूव करके एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन करके आते हैं इंडिया और यूएई के बीच में। ठीक है, यहां से एक्चुअली हमारा एक्टिव ऑफ जो हमारे रिलेशनशिप था वो स्टार्ट होता है। नाउ उसके बाद 2015 के बाद 2017 के अंदर जो उस टाइम के जो यूएई के प्रिंस हुआ करते थे, क्राउन प्रिंस हुआ करते थे, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो इंडिया के अंदर आते हैं और चीफ जो मतलब बेसिकली वो चीफ गेस्ट थे हमारे इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के ऊपर, यानी कि 26 जो जनवरी थी हमारी 2017 वाली, उसमें चीफ गेस्ट हमारे ये हुआ करते थे। ठीक है, मतलब ये थे जो वहां के जो क्राउन प्रिंस थे, यूएई के जो क्राउन प्रिंस थे। पॉइंट इज जब वो यहां पर आते हैं तो यहां पर फिर से अग्रीमेंट साइन होती है, और जो हमने यहां पर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन किया था दैट वाज एक्चुअली इंक्रीज्ड टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो आई होप आप समझ रहे हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इज एट द लोअर लेवल, और ऑब्वियसली इसको अगर आप अपग्रेड करेंगे दैट बिकम्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप दैट इंक्लूड्स मोर थिंग्स
थिंग्स एज कम्पेयर टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है सिंपल वर्ड्स में। अब देखिए यहां से हमारी रिलेशनशिप एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो गए और यहां से हमें एक मोमेंटम मिलता है जहां पर हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नेगोशिएशन वगैरह लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए इंडिया और यूएई के बीच में। यहां पर फाइनली 2021 में अंदर क्या होता है, एक हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करते हैं और इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के साइन होने के बावजूद मतलब कि बात क्या होता है, इंडिया और यूएई का जो ट्रेड रिलेशन है वो काफी ज्यादा यहां पर इंप्रूव हो गया। अब देखिए नाउ क्वेश्चन कम्स कि इंडिया एक्जैक्टली क्या क्या प्लान कर रहा है, कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सिमिलरली यूएई क्या प्लान कर रहा है, यूएई कहां इन्वेस्ट करना चाहता है। नाउ देखिए इंडिया और यूएई दोनों ही कंट्रीज ऐसी हैं जो कि दोनों ही अपने अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा डीप करना चाहती है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब इंक्रीज करना चाहती है, इसलिए दोनों ही कंट्रीज ने अभी रिसेंटली अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट साइन किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट, देखिए जब भी दो कंट्रीज साथ में मिलकर एक एफटीए साइन करना चाहती है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहती है, तो उस फ्री ट्रेड साइन मतलब अग्रीमेंट साइन करने से जस्ट पहले कुछ दिनों तक दोनों ही कंट्री अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट के अंदर रहती है। मतलब एक टाइप का समझ सकते हैं कि एफटीए का एक टाइप का प्रीकर्सर है, मतलब एफटीए साइन करने से पहले आप यू नो सिंपली अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट के अंदर रहकर देख रहे हैं सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब इंडिया और यूएई का अगर आप टोटल ट्रेड देखेंगे तो टोटल स्पेशली अगर आप ट्रेड वाले फील्ड मतलब जो ट्रेड एंड सर्विसेज होता है तो ट्रेड का मतलब होता है गुड्स, राइट, तो जितने भी गुड्स वगैरह होती है उसके अगर आप देखोगे तो दोनों की टोटल ट्रेड जो है इट इज ऑलमोस्ट 52.76 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, मतलब इट इज ऑलरेडी इतना ज्यादा हमारा ट्रेडिंग मतलब ऑलरेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग हम ऑलमोस्ट हर साल कर रहे हैं। इसके कारण यूएई इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट का मतलब क्या है, इंडिया सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपको याद है कौन सा था, फर्स्ट इज यूएसए, ठीक है, सेकंड वी हैव चाइना एंड थर्ड वी हैव यूएई, इस तरीके से मूव करता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इंडिया का ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है यूएई बन जाता है। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम यह है कि 50 बिलियन डॉलर्स को इंक्रीज करके 100 बिलियन डॉलर्स लेके जाना है ट्रेड के अंदर और अराउंड 15 बिलियन लेके जाना है जो हमारा सर्विसेज था उसके अंदर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब 2022 के बाद 2027 आते आते अगले पांच सालों तक इस 50 बिलियन डॉलर को इंक्रीज करके हमें 100 बिलियन डॉलर लेके जाना है और सिमिलरली जो सर्विसेज सेक्टर है उसके अंदर भी एटलीस्ट 15 बिलियन डॉलर का हमें यहां पर इंक्रीज करना है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया यूएई अपने कंट्री के अंदर सर्विसेज को बहुत ही सीरियसली लेता है और सर्विस सेक्टर को बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, इसी चीज के लिए इंडिया भी जो है उस पर्टिकुलर चीज का फायदा उठाना चाहता है, फायदा इन द सेंस की उससे कुछ बेनिफिट लेना चाहता है और अपने मतलब अपने इंडिया के अंदर भी इन चीजों को इंक्रीज करना चाहते हैं। No. ये तो हो गया यूएई के बाद, अब हम इंडिया को समझते हैं। इंडिया भी तो काफी ज्यादा फास्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, इंडिया का भी अगर आप ग्रोथ पोटेंशियल देखेंगे तो बहुत ही फास्ट रहा है, इंडिया काफी ज्यादा फास्ट प्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है इंडिया का जो एक्सपोर्ट का सेक्टर है वो भी काफी फास्ट इंक्रीज हो रहा है। आपको कल का डिस्कशन याद है, कल के डिस्कशन में एक बात की थी कि इंडिया जो है ऑलमोस्ट 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है एक साल में, मतलब आपको याद है हमने जो प्लान किया था कि इस पर्टिकुलर ईयर यानी कि 2021-22 के अंदर हमारा टोटल टारगेट जो है दैट इज ऑलमोस्ट 400 बिलियन डॉलर्स और हमने इसमें से ऑलमोस्ट 350 बिलियन डॉलर जो है उसको अचीव भी कर लिया, इसका मतलब क्या है हमने ट्रेड और एक्सपोर्ट्स के अंदर जो अपनी ग्रोथ पोटेंशियल उसको बहुत ही फास्ट इंक्रीज कर लिया। नाउ यहां पर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग जो इंक्रीज हुई है, जो हमारा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुआ है, उस चीज को हम यूएई के साथ भी यूज करें, मतलब यूएई हमें एक मार्केट प्रोवाइड कर सकता है जहां पर हम इन सारे के सारे सामानों को सेल कर सकते हैं, सारे के सारे सामानों को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सब चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है। नाउ देखिए आप ये चीज जानते हैं कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखा उसने, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक के टाइम में हमने एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ अचीव किया। आपको इकोनॉमिक सर्वे के कुछ लेसन याद होंगे, उसके अंदर हमने ये बार बार बात की कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है मतलब काफी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। नाउ अगर हमारा फास्ट ग्रो कर रहा है इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोडक्शन काफी फास्ट हो रहा है, अगर प्रोडक्शन फास्ट हो रहा है इसका मतलब हमारे पास काफी सारा गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर हमारे पास सब कुछ है तो हम यूएई को एक टाइप का एक्सपोर्ट मार्केट बना सकते हैं, मतलब कि यूएई के पास एक बहुत ही फास्ट मार्केट है, बहुत ही लार्ज मार्केट है। देखिए अभी तक यूएई के सारे लोग जो है ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनके पास बाकी चीजें उतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं है, ऑल्दो यूएई अपनी इकोनॉमी को अंदर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी वो अर्ली स्टेजेस के अंदर है, उसने 2012 के अंदर स्टार्ट किया है, अभी वो अर्ली स्टेजेस के अंदर है। तो इंडिया यहां पर अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को और बाकी जो इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स वगैरह है इन सबको डायरेक्टली यूएई तक पहुंचा सकता है, जिससे क्या होगा यूएई का जो मार्केट है उसको डायरेक्टली टैप कर सकता है इंडिया, ठीक है, उसके मार्केट तक पहुंच के हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो एक्जेक्टली समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कौन कौन से सेक्टर्स में किया जा सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो समझना है कि जो ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया और यूएई साइन कर रही है वो टू वे है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया यूएई को बेचेगा या फिर यूएई इंडिया को बेचेगा, बट दोनों ही कंट्री आपस में एक दूसरे को बेचने वाली है, ठीक है। अब यूएई का इन्वेस्टमेंट अगर आप इंडिया में देखेंगे, पीछे तो हमने देख लिया कि इंडिया कितना इन्वेस्ट कर रहा है यूएई के अंदर, दैट वाज अराउंड 50 बिलियन डॉलर के आसपास में। द पॉइंट कम्स कि यूएई कितना इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में राइट नाउ, इट इज ऑलमोस्ट 11 बिलियन डॉलर के आसपास में और उसके कारण इंडिया का 9th बिगेस्ट इन्वेस्टर है, ठीक है, राइट नाउ यूएई, यानी कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ये तो हो गया यूएई का इन्वेस्टमेंट, अब समझते हैं इंडिया कहां कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया भी यूएई के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के अंदर, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है, जहां पर देखा गया सीमेंट के अंदर, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, कंज्यूमर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गए, ये सब हो गए। इसके अलावा बहुत सारे हम सर्विसेज के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी यूएई के अंदर, जहां पर देखिए हमने टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, केटरिंग, हेल्थ, रिटेल, एजुकेशन, एवरी सिंगल सेक्टर हर एक के अंदर हम यहां पर ऑलरेडी काफी यू नो एक्टिवली पार्टिसिपेट
ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इंडिया ने ऑलरेडी यूएई का जो मार्केट है उसको टैप करना स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। इसी चीज को हम और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं और इसी चीज को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इंडिया और यूएई सिर्फ आपस में साइन नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंडिया टोटल ऑलरेडी 6 कंट्री के साथ एफटीए साइन कर रहा है और यूएई टोटल 8 कंट्री के साथ एफटीए साइन कर रहा है एक्सक्लूडिंग इंडिया। द पॉइंट बीइंग, यूएई इंडिया आर नॉट द ओनली कंट्री जो कि आपस में साइन कर रहे हैं, ये और भी बहुत सारी कंट्री के साथ साइन कर रहे हैं। जस्ट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जस्ट सपोज देखिए, इंडिया है, इंडिया यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अग्रीमेंट साइन करना चाहता है, देन सिमिलरली इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ चाहता है, इंडिया यूके के साथ चाहता है। जस्ट सपोज इंडिया इन तीनों के साथ एक टाइप का एफटीए साइन कर लेता है। अब मान लीजिए यूएई के पास इन तीनों कंट्री का एक्सेस डायरेक्टली नहीं है और यूएई इन सब कंट्री के सामान बेचना चाहते हैं, तो व्हाट विल यूएई डू, यूएई क्या करेगा, अपने सामानों को डायरेक्टली इंडिया को बेचेगा। ठीक है, और इंडिया के साथ वो ऐसा डील करेगा कि इंडिया यूएई के सामानों को डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया, यूएई जो ईयू है और यूके तक पहुंचाएगी। आई होप आप समझ रहे हैं कि यूएई डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली अगर इन कंट्री के साथ डायरेक्टली मतलब मार्केट अचीव नहीं कर सकता इन पर्टिकुलर कंट्रीज का, तो डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली इंडिया के थ्रू हेल्प लेकर इस पर्टिकुलर कंट्री की पोटेंशियल को अचीव कर सकता है, टैप कर सकता है। सेम चीज समझिए, सिमिलरली यूएई यहाँ पर टोटल 8 कंट्री के साथ डिफरेंट टाइप के अग्रीमेंट को साइन करने की कोशिश कर रही है, सिमिलर जिसके अंदर बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, नाइजीरिया हो गया, कतर हो गया, राइट, ये सब कंट्रीज है। नाउ द पॉइंट बीइंग, अगर इनके साथ इंडिया का डायरेक्टली यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है तो व्हाट विल इंडिया डू, इंडिया यहाँ पर क्या करेगी, डायरेक्टली इंडिया से अपने सामानों को यूएई भेजेगी और यूएई इंडिया के सामानों को डिफरेंट कंट्री के पास भेजेगी। तो पॉइंट इज कि दोनों ही कंट्री एक दूसरे की एक्चुअली काफी हेल्प कर सकते हैं। यूएई और इंडिया सिर्फ एकमात्र कंट्री नहीं है जो कि आपस में ट्रेड कर रहे हैं, बट आसपास में बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह भी हैं जो कि यूएई और इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल अचीव हो रहा है उसके थ्रू फायदा हो सकता है। ठीक है, सो इंडिया बेसिकली यूएई को और यूएई इंडिया को यूज करके बाकी डिफरेंट कंट्री तक भी पहुंच सकता है और इंडिया अपने ग्रोथ को यहां पर अचीव कर सकता है। आई होप आपको ये चीज भी प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ इंडिया का एम देखते हैं, इंडिया का मेन एम ये है, इंडिया का एम ये है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसके अंदर ऑलमोस्ट $1 trillion तक पहुंचना चाहता है और जो सर्विसेज मार्केट है उसके अंदर 2030 होते होते $1 trillion तक पहुंचना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि 2030 होते होते हम अपने एक्सपोर्ट और सर्विसेज मार्केट को मतलब अपने ट्रेड और सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को ऑलमोस्ट $1 trillion के आसपास पहुंचाना चाहते हैं। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाला है वो है यूएई का जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। अगर यूएई ने हमें एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड किया, यूएई ने अगर हमें अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो ऑटोमेटिकली हमारे $1 trillion का जो इकोनॉमी है, का जो ये सपना है बेसिकली, हमारा जो एम है, वो चीज ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो सकती है। बिकॉज यूएई देखिए, अगर यूएई को अगर आप समझेंगे, यूएई इज नॉट जस्ट अ कंट्री इन इटसेल्फ, यूएई बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज का, बहुत सारे डिफरेंट रीजनल पार्टनर्स का मेंबर है, मतलब इंक्लूडिंग एक मेंबर उसमें से गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, ये सब कंट्रीज आती है। देखिए ये सब वो कंट्रीज है, देखिए मैं आपको मैप में दिखाता हूं, दिस इज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, अगर आप सिंपली देखेंगे तो दिस इज यूएई वी हैव। ठीक है, इसके अलावा देखिए ओमान है, वी हैव सऊदी, वी हैव कुवैत, वी हैव कतर, बहरीन है, ये जितने भी कंट्री है सबके सब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का मेंबर है। नाउ ध्यान सोचिए, जितने भी कंट्रीज, दे आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है, इनकी इकोनॉमी जो है मेनली ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो कहीं ना कहीं इनके कंट्री के अंदर बहुत सारा गुड्स, बहुत सारे सर्विसेज वगैरह उनकी कमी होती है। वो कमी होने के कारण इंडिया डायरेक्टली इन सब चीजों को इन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर सकता है, तो इंडिया को यहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मार्केट मिल जाएगा। ठीक है, कॉमन मार्केट मिल जाएगा और एक टाइप का यूएई अगर ऑब्वियसली ट्रेड कर रहा है तो उनका जो कस्टम ड्यूटी है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है, तो इन सब चीजों के अंदर भी इंडिया काफी हेल्प ले सकता है। इसके अलावा देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज गाफ्टा अग्रीमेंट। गाफ्टा एक ऐसे अग्रीमेंट है जिसके अंदर यूएई ने साइन कर रखा है डिफरेंट कंट्री के साथ, एक टाइप का डील साइन कर रखा है, ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट बेसिकली। ठीक है, तो ये अरब वर्ल्ड की कंट्रीज की अग्रीमेंट है जिसके अंदर सऊदी, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, ऐसे जितने भी जो अरब कंट्रीज है वो सबके सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगेन अगर इंडिया यूएई के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करता है तो इंडिया को डायरेक्टली इस गाफ्टा के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके साथ डायरेक्टली एक मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप, तो इसलिए यूएई का जो लोकेशन है, यूएई का जो इंपॉर्टेंस है, उस चीज को यूज करके इंडिया एक्चुअली अपने खुद के इंटरेस्ट को भी यहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर इंडिया का मतलब इस चीज को प्रॉपर्ली साइन करता है तो अगर आप देखेंगे तो ये लेबनान, मोरक्को, ट्यूनिशिया, पैलेस्टाइन, लेट मी शो यू दिस थिंग। देखिए ये हो गया यहां पर हमारा, देखिए दिस इज यूएई, यूएई के अलावा वी हैव सऊदी, यमन, ओमान, जॉर्डन, ये सब तो हो गए नॉर्मली सिंपली जो आपके गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर है। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज, यानी यूएई के अच्छे रिलेशनशिप है लिबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया, सोमालिया, चैट, यहाँ पर जो नाइजीरिया है, यहाँ तक कि मोरक्को, ट्यूनिशिया, इन सबके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप है यूएई के। इसका मतलब क्या, देखिए ये सबके साथ अरब वर्ल्ड के मेंबर्स है, मतलब अरब इन सेंस की मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। अगर आप देखेंगे तो यूएई के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने के कारण यूएई का डायरेक्ट मार्केट एक्सेस है इन सारे के सारे कंट्री के अंदर। तो इंडिया अगर यहाँ पर एक यू नो प्रॉपर्ली अचीव करता है, मतलब प्रॉपर्ली इन सब चीजों को प्ले करता है,
तो इंडिया एक्चुअली यूएई के थ्रू इन सारे के सारे कंट्री के साथ डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। मतलब इंडिया अपने मार्केट को सिर्फ यूएई की तरफ इंक्रीज नहीं कर रहा है, बट अपने मार्केट को यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री की तरफ भी वहाँ कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। अगर आप अफ्रीकन कंट्री में देखेंगे तो अफ्रीकन कंट्री में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, और ट्राइबल कम्युनिटीज जो है उनके अंदर हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, फार्मा सेक्टर्स यानी कि जो मेडिसिन सेक्टर है, इन सबका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। अब इन सब डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडिया डायरेक्टली अपने ट्राइबल जो सेक्टर है इंडिया का उसको यूज कर सकती है, और उसके थ्रू इंडिया हर एक पर्सन तक पहुंच सकती है जो कि इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व है या फिर इन सब चीजों तक पहुंच रहा है। इसके लिए क्या होगा, इंडिया को ऑब्वियसली यूएई के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना होगा और अच्छे तरीके से दोनों का जो ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है उसको और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। देखिए समझिए, यूएई का जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो जीसीसी यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल उसके साथ बाउंडेड है, जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि अराउंड 5% का ट्रेड टैरिफ वो हर एक डिफरेंट कम्युनिटी के ऊपर लगाएंगे। द पॉइंट इज ये तो हो गया टैरिफ बैरियर्स, बट एक चीज जो होती है दैट इज कॉल्ड एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, सिंपल वर्ड्स है। देखिए टैरिफ बैरियर्स का मतलब है जहां पर आपके ऊपर कुछ टैक्सेस लगाए जाएंगे और टैक्सेस के थ्रू आपके इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश की जाएगी। सिमिलरली नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब है जहां पर आपको टैक्सेस के अलावा बाकी चीजें लगाई जाएंगे, ठीक है, कोटाज हो गए, सैंक्शंस हो गए, ये सब लगाते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन टैरिफ। तो इंडिया का बात यह है कि अगर किसी भी टाइप का नॉन टैरिफ बैरियर्स अगर आता है उसको एड्रेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मतलब इंडिया के लिए एज कंपेयर टू टैक्स बैरियर। देखिए यूएई के अंदर टोटल दो टाइप के इंपॉर्टेंट नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, और सेकंड इज कॉल्ड एज टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। मैं आपको पहले शॉर्ट में समझाता हूं एक्जेक्टली होते क्या। देखिए सैनिटरी का मतलब क्या होता है, साफ सफाई, फाइटोसैनिटरी का मतलब अगेन साफ सफाई। तो सैनिटरी एंड साफ जो फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स होते हैं वो ये मतलब इन्वॉल्व करता है कि किसी भी टाइप का लाइव पोल्ट्री, ठीक है, मीट हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, उसके अंदर किसी भी टाइप का डिजीज नहीं होना चाहिए, राइट, किसी भी टाइप का बैक्टीरियाज वगैरह, मतलब किसी कुछ ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। तो इन सब चीजों को लेकर यूएई काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा वी हैव आल्सो हैव सम टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। अगर आप देखेंगे यूएई के अंदर भी काफी ज्यादा टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ऑलमोस्ट 534 मतलब ऐसे बैरियर्स है जो कि फिश, फूड एडिटिव्स, मीट, रबर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इन सबसे रिलेटेड है। और देखिए इनके अंदर क्या होता है, टेक्निकल बैरियर्स का सीधा सा मतलब यह है कि आपको पहले कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा, एक्जैक्टली फिश कहां से आई है, ये इसके अंदर कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, सब ठीक है, प्रॉपर्ली उसको लेबलिंग करना होगा, प्रॉपर लाइसेंसिंग करनी होगी, मतलब एवरी सिंगल थिंग जो कि उस पर्टिकुलर फिश की सेफ्टी के लिए, फिर जो पर्सन उसको खा रहा है उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हर एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो यही यहां पर फाइनली ऑथर बोलते हैं कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को यहां पर इस चीज का चैलेंज तो उठाना ही पड़ेगा कि अगर यूएई को अगर आपको ये सब सामान बेचना है, अगर आपको वहां पर एक्सपोर्ट करना है तो आपको अपनी क्वालिटी को अच्छा रखना होगा, ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने एक्चुअली डिफरेंट कंट्री के साथ, स्पेशली यूएई के साथ अपने एफटीए एग्रीमेंट को काफी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, हम सिर्फ यूएई के थ्रू नहीं बट बाकी जितने कंट्रीज हैं उनके साथ भी हम अपने रिलेशनशिप को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं इंडिया के क्लीन एनर्जी के प्रायोरिटीज के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यह है कि मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये बोला है कि देखिए प्लैनेट फ्रेजाइल नहीं, जो हमारा अर्थ है, जो हमारी मदर अर्थ है वो फ्रेजाइल नहीं है, बट जो पीपल एंड कमिटमेंट, जो पीपल है, जो लोग इस पर्टिकुलर अर्थ के ऊपर रहते हैं ना, उनका कमिटमेंट कहीं ना कहीं फ्रेजाइल है। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है, देखिए जो हमारा लगातार इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, राइट, हमारा लगातार इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारी प्लैनेट का जो भी मतलब हालत है तो वो लगातार खराब हो रहा है, और जब भी एक्सपर्ट से उसका रीजन पूछा जाता है तो एक्सपर्ट हमेशा सिंगल रीजन देते हैं कि हमारी प्लैनेट जो है, हमारी प्लैनेट अर्थ वो लगातार फ्रेजाइल होती जा रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजाइलिंग प्लैनेट, क्या प्लैनेट अपने आप में कोई पर्सन है जो कि फ्रेजाइल हो रहा है, नहीं, प्लैनेट फ्रेजाइल नहीं हो रहा है, प्लैनेट के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, प्लैनेट के अंदर रहने वाले जो डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है वो फ्रेजाइल हो रहे हैं, राइट, उन सब चीजों को मतलब हमें रिस्टोर करना है, उन सब चीजों को हमें प्रॉपरली सेव करना है। अब देखिए इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर यानी कि जो एनर्जी जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप की थ्योरीज आई है कि एक्जैक्टली डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है। यहां पर देखिए कुछ थ्योरीज के बारे में यहां पर ऑथर बात करते हैं। फर्स्ट वो बात करते हैं जेम्स लवलॉक नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने गाया हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है, देखिए इसे आपको याद नहीं करना है, मतलब सिंपली इसको समझिए कि एग्जैक्टली बोलता क्या है। देखिए गाया हाइपोथेसिस ये बोलता है कि जो नेचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इकोसिस्टम, पीपल, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, एवरी सिंगल थिंग, दे आर इंटरकनेक्टेड है, तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर हार्म करोगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट है वो आपके ऊपर बैकफायर कर जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है गाया हाइपोथेसिस का। सिमिलरली एक दूसरा ऑथर है जो कि एक नोबेल लॉरिएट भी है, हिज नेम इज पॉल क्रुटजन। पॉल क्रुटजन ये बोलते हैं देखिए जितना भी केमिकल एफ्लुएंस वगैरह है, केमिकल वेस्ट वगैरह है, केमिकल जो भी कोई चीजें हैं वो लगातार हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को चेंज कर रही है, ठीक है, मतलब केमिकल एफ्लुएंस जो है वो लगातार हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को चेंज कर रही है, उसके कारण हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो लगातार हार्मफुल की तरफ जा रहा है, मतलब हार्म की तरफ जा रहा है। देखिए क्लाइमेट चेंज दोनों तरफ से हो सकता है, अच्छा या बुरा, बट हमारा क्लाइमेट चेंज जो बुरे की तरफ जा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ हमारे केमिकल एफ्लुएंस के कारण, ठीक है। और इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट बोला जाता है दैट इज कि हमारा जो ह्यूमैनिटी है वो ऑलरेडी एंथ्रोपोसिन एरा के अंदर आ रहा है,
व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रोपोसिन एरा? देखिए एंथ्रोपोसिन एरा का सीधा सा मतलब है ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस, इसको मैं अभी 2 मिनट में आपको समझाता हूं, फिलहाल आप समझिए। देखिए तो ये बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो एंथ्रोपोसिन एरा की तरफ जा रहा है और ये एक बहुत बड़े जियोलॉजिकल फोर्स की तरह है जो कि हमारे प्लैनेट की डेस्टिनी को चेंज कर रहा है। आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज को, यानी कि ह्यूमंस अपने काम के कारण पूरे के पूरे प्लैनेट के डेस्टिनी को चेंज कर रहे हैं। तो हमने 3 स्टेटमेंट देखा, पहला हमने देखा गाया हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हमने देखा कि बोला कि नेचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को हम मतलब पहुंचाओगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका सेकंड पार्ट है वो आपके ऊपर बैकफायर कर जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज हो रहा है हमारे साथ। सेकंड चीज देखिए, जो केमिकल्स वगैरह है जो लगातार हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करते हैं, पॉल्यूशन वगैरह है, वो सब हम कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को, हमारे वाटर को, हमारे लैंड को डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं, एंड दैट चेंज इज हार्मफुल और बहुत ज्यादा हार्मफुल है। एंड थर्ड चीज कि हमारी ह्यूमैनिटी एंथ्रोपोसिन एरा के अंदर आ गई है। तो थोड़ा समझते हैं एंथ्रोपोसिन एरा क्या है। देखिए अगर आप हमारा जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको आप समझेंगे तो आपको ये चीज एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। देखिए इसको समझिए, माना जाता है कि हमारा अर्थ जो है अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स मतलब अगो फॉर्म हुआ था, और उस टाइम मतलब जो भी पीरियड था उस पीरियड को हम यहाँ पर इस पूरे पूरे पीरियड को हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन क्यों? बिकॉज कैम्ब्रियन नाम का एक एज स्टार्ट होता था, तो कैम्ब्रियन एज से पहले जितना भी चीजें थी उन सबको हम प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। कैम्ब्रियन वो एक्चुअली एज था जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलस्क ये सब चीजें जो इनवर्टिब्रेट्स थे वो सब आने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, लाइफ का पहला फर्स्ट यहाँ पर हमें एविडेंस मिला था। देखिए पॉइंट ये है कि इससे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा हुआ करता था, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फिर बहुत सारे एराज आए, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, ऐसे करके बहुत सारे आते हैं। ठीक है, देखिए फाइनली वी केम टू अ पीरियड कॉल्ड प्लिस्टोसिन पीरियड। ठीक है, प्लिस्टोसिन पीरियड का मतलब क्या है? प्लिस्टोसिन पीरियड का इंपॉर्टेंस ये है कि प्लिस्टोसिन पीरियड वॉज द वन जिसके अंदर ह्यूमन यहां पर इन्वॉल्व होना स्टार्ट होते हैं। आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा जो स्टोन एज के मैन थे, यानी कि पैलियोलिथिक जो मैन हुआ करते थे, दैट एक्चुअली दे एक्चुअली इमर्ज इन प्लिस्टोसिन पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड का जो ओल्डेस्ट वाला पार्ट था वो प्लिस्टोसिन मतलब पीरियड के अंदर इमर्ज होता है, उसके बाद आता है होलोसिन पीरियड। ठीक है, अब देखिए होलोसिन के अंदर हम अराउंड चल रहे थे, मतलब अराउंड पिछले 10,000 ईयर से हम अराउंड होलोसिन के अंदर चल रहे थे, बट ऐसा अब यहां पर देखिए अगर आप ये जितने भी आप जो ये पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये हर एक कहीं ना कहीं चेंज को शो करता है। चेंज का मतलब क्या है? देखिए जब ट्रायसिक पीरियड था तो उसके बाद कुछ चेंजेस हुए जिसके कारण जुरासिक पीरियड आता है, जुरासिक के कारण कुछ और चेंजेस हुए जिसके कारण क्रिटेशियस पीरियड आता है, सिमिलरली हर एक चेंज शो करता है। तो अगर हम होलोसिन पीरियड के अंदर हैं तो हम होलोसिन को चेंज क्यों कर रहे हैं? हम चेंज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज होलोसिन में क्या हो रहा था, हमारी जो प्लैनेट थी उसके अंदर कुछ चेंजेस आए थे, बट अगेन हमारे यहां पर प्लैनेट के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एंड इसलिए हम यहां पर इस पर्टिकुलर न्यू पीरियड को कह रहे हैं एंथ्रोपोसिन पीरियड। ठीक है, ध्यान समझिए चीज को। सो वी स्टार्टेड विद आर्कियन पीरियड एंड राइट नाउ हम माने जा रहे थे कि हम होलोसिन पीरियड के अंदर है, बट राइट नाउ बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना ही है, देखिए अभी तक तो ऑफिशियल नहीं हुआ, बट ये चीज ऑब्वियसली बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी चेंज इनटू एंथ्रोपोसिन एरा। व्हाट इज एंथ्रोपोसिन एरा? एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमंस, पोसिन का मतलब होता है चेंजेस, यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस, ह्यूमंस के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हैं उसके कारण एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। Now, एक चीज आपको समझना है एंथ्रोपोसिन एरा के बारे में, आज तक हमारी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर आज तक अभी भी ह्यूमन इंड्यूस्ड कभी चेंजेस नहीं हुए। ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा इतना ज्यादा कुछ मतलब चीजें खराब नहीं की गई है उसके कारण कि उसके कारण पूरा का पूरा एनवायरमेंट ही चेंज हो जाए। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम होलोसिन से एंथ्रोपोसिन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, अस ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस के कारण ये सारा का सारा चीज चेंज हो रहा है, नेचर जो है अपना बैलेंस खो रही है। आई होप आप ये चीज समझ गए एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखिए हम आगे हल्के से आगे समझते हैं इसको। अब देखिए एक तरफ हम बोलते हैं कि जो हमारी प्लैनेट है उसको प्रोटेक्शन चाहिए। एग्जैक्टली प्रोटेक्शन कैसे चाहिए और एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको प्रोटेक्शन चाहिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर आप ट्रुथ को प्रॉपर्ली समझेंगे तो एग्जैक्टली ट्रुथ थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है स्पेशली जो होलोसिन जो हम एंथ्रोपोसिन की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्टली वो स्टार्ट कब हुआ? वो स्टार्ट तब हुआ था जब हम पैलियोलिथिक एरा में थे, उसी टाइम वो स्टार्ट हो गया था। देखिए जब हम पैलियोलिथिक एरा में थे और फिर हम धीरे धीरे मेसोलिथिक में आए, देन वी केम टू न्यूलिथिक। न्यूलिथिक होते होते हमें एक चीज समझ आ गई कि हमें एग्रीकल्चर करना है। राइट, एग्रीकल्चर के लिए हमने क्या किया? हमने बहुत सारा वीट एंड राइस को ग्रो करना स्टार्ट किया, एंड सिमिलरली हमने जो बहुत सारा फॉरेस्ट वगैरह था उसको यहां पर पूरी तरीके से क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। जब हमने यहां पर न्यूलिथिक होते होते फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया तो ऑलरेडी हमने न्यूलिथिक एरा के अंदर ही हमारे ह्यूमंस जो थे उन्होंने एक्चुअली क्लाइमेट चेंज स्टार्ट कर दिया था। ध्यान सोचिए फॉरेस्ट एक बहुत बड़े रिजर्वॉयर होते हैं क्लाइमेट चेंज के, यानी कि जो ये CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके रिजर्वॉयर होते हैं। बट द पॉइंट बीइंग फॉरेस्ट के क्लियर करने के कारण उसी टाइम न्यूलिथिक एरा के मतलब स्टोन एज के टाइम से ही हम लगातार क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर डालते जा रहे हैं। और इसके इफेक्ट्स देखिए, इसके इफेक्ट्स ऑल्दो अभी जाकर हमें शो हो रहे हैं बिकॉज चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, बट यू मस्ट रिमेंबर, आपको कहीं पर भी आंसर लिखना है ना, जस्ट राइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि क्लाइमेट चेंज का जो चीजें हैं वो पिछले सिर्फ देखिए हम हमेशा कहते रहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वो चीज स्पीड अप हो गई है, बट एक्चुअल जो चीज स्टार्ट हुआ था दैट स्टार्टेड इन स्टोन एज इटसेल्फ। सोचिए हमने कहां पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट को हमने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था, ऑब्वियसली हमारे एंसेस्टर्स ने जो कि वहां पर प्लिस्टोसिन एरा के अंदर जो स्टोन एज के अंदर जो लोग प्रेजेंट थे उन्होंने किया था, बट द पॉइंट बीइंग
उन लोगों ने मत के कारण जो था आज उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली जो ह्यूमंस थे उन्होंने स्टार्टिंग से ही क्लाइमेट को काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं, एंड दैट चेंजेस हैव बीन डन फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने खुद के बेनिफिट के लिए। इसके अलावा जब इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट होता है यानी कि 1760s के आसपास में, तो हमारे एटमॉस्फेरिक चेंजेस स्टार्ट होते हैं इस टाइम में। क्यों? बिकॉज हम फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं, कोल को यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। और 1760 से देखिए होते होते अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से देखेंगे तो देयर वाज अ ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब एक इतने कम टाइम में, यानी कि 2022 में अभी हम हैं, मतलब इट हैज बीन मोर, मतलब बेसिकली इट हैज बीन लेस देन 250 इयर्स, 250 साल से कम हुए, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम यहां से। देखिए हम फॉसिल फ्यूल को स्टार्ट करते हुए हम ऑल दो यहां पर, मतलब प्लैनेट के जितने रिसोर्सेज हमने उसको फिनिश कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। प्लैनेट की जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने उसको पूरी तरीके से पोल्यूट कर दिया, हमने लैंड को पूरी तरीके से पोल्यूट कर दिया है, वाटर को पूरी तरीके से पोल्यूट कर दिया है। द पॉइंट बीइंग, हम सिर्फ पिछले 250 सालों के अंदर हमने एटमॉस्फेयर का बहुत बुरा हाल कर दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जो नियोलिथिक पीरियड था, मतलब जो पहले जो फॉरेस्ट वगैरह जो क्लियर किए गए थे और जो अभी का जो फॉरेस्ट क्लियर किया जा रहा है, उसके बीच में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि जो सफरिंग हो रही है, सफरिंग कौन ले रहा है? सफरिंग इज बीइंग डन बाय द पुअर्स ओनली, मतलब ऐसे लोग जो कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर नेचर की जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है उसको प्रॉपरली सह नहीं पा रही है, वो मतलब वो एक्चुअली है जो कि इस चीज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। नाउ पुअर्स का सोचिए, क्या पुअर्स वो लोग हैं जो कि इंडस्ट्रीज लगाते हैं और फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं? नहीं, राइट। सो एक्चुअली मतलब नेचर पनिश उसको कर रही है जो कि एक्चुअली इसके लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब इसके लिए डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया सकता है, मतलब पुअर पीपल जो कि डायरेक्टली खुद कुछ नहीं करते हैं। देखिए ऑब्वियसली हाउस होल्ड बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फॉसिल फ्यूल वगैरह को यूज करते हैं, बट पॉइंट इज सोचिए पुअर जो फॉसिल फ्यूल घर में यूज करते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल चीजें हैं जो मतलब बहुत सारे जो कोल वगैरह यूज करती है, ज्यादा यहां पर कोल मतलब कौन प्रोड्यूस करता है? ज्यादा पॉल्यूशन कौन प्रोड्यूस करता है? ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज, राइट। तो इसलिए अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो जो इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन वगैरह हैं जो एक्चुअली ये सब करते हैं उनको ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं, क्यों? बिकॉज वो लोग पुअर नहीं, वो लोग रिच, वो लोग इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर उन्हें गर्मी लगती है तो दे कैन डायरेक्टली अफोर्ड एसी, बट अ पुअर पर्सन कैन नॉट अफोर्ड एसी डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको गर्मी लग रही है, राइट। आई होप आपको ये चीज एग्जांपल के साथ समझ आ रही है। देखिए यहां पर ऑथर एक एग्जांपल देते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में बोलते हैं कि लास्ट ईयर एक टाइप का जो एवलांच आया था जिसके अंदर काफी सारे लोग मारे गए थे। एवलांच क्यों आया था? अगर आप हल्का समझेंगे तो जो हमारी हिमालय है वो काफी ज्यादा फ्रेजाइल एरिया है, मतलब वो काफी फ्रेजाइल एरिया है, उसके जियोलॉजी के ऊपर काफी सारे स्टडीज हुई है, काफी सारे यहाँ पर रिपोर्ट आए हैं, और हर एक रिपोर्ट ने एक चीज बोला है कि ये पर्टिकुलर जो एरिया, हिमालय का जो पर्टिकुलर एरिया है, ये इनहॉस्पिटेबल है, मतलब यहां पर आप डिफरेंट बड़े बड़े मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च कर सकते। दैट इज यू नो एज सिंपल एज इट कैन बी। द पॉइंट इज इसके अंदर आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च ही नहीं कर सकते बिकॉज इसकी रॉक इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, ठीक है। बट इसके बावजूद हमने इस चीज को रोका नहीं है, हम वहां पर लगातार रोड्स को वाइड कर रहे हैं, हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू यू नो ब्रिंग सम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स, हम हर एक चीज को यहां पर लेकर आ रहे हैं, बट हम इन सब चीजों को रोक नहीं रहे। अब उसके अगेंस्ट यहाँ पर नेचर ने हमें बहुत सारी वार्निंग्स भी दी है। देखिए वी हैव वी हैड फ्लड्स, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, एवरी सिंगल थिंग यू नो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है, वो हमें एक टाइप के इस चीज को बार बार नोटिस कराने की कोशिश करता है, बट इसके बावजूद हम यहाँ पर रुकते नहीं। अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखेंगे तो आपको इंडिया की एक्जैक्टली वल्नरेबिलिटी समझ आएगी, जितने भी हमारे इंडियन हिमालयन रीजन है उनकी। देखिए वी हैव जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल, मतलब सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दीज नाइन कंट्रीज, मतलब सेवन कंट्रीज प्लस सिक्किम प्लस वेस्ट बंगाल, इसके अलावा जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, सम कंट्री जो कि डायरेक्टली हिमालयन कंट्रीज है इंडिया के अंदर। अब समझिए जरा एग्जैक्टली कहां पर कितना जो वल्नरेबिलिटी है वो है। देखिए मोस्ट यहां पर जो वल्नरेबल हमारा स्टेट है दैट इज असम, ठीक है। देखिए हाई असम, इसके अलावा देखिए जम्मू, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब जो पार्ट है वो सब मीडियम पार्ट में है, एंड वी हैव उत्तराखंड इन द लो पार्ट, सिक्किम इन द लो पार्ट, एंड अरुणाचल इन द लो पार्ट। नाउ ध्यान समझिए, आपने अगर देखा है हिमालय के अंदर जितने भी यहाँ पर ट्रेजडीज वगैरह होती हैं, दे ऑलवेज कम इन उत्तराखंड, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी ट्रेजडी होती हैं जो उत्तराखंड के अंदर आती है, हिमाचल के अंदर आती हैं। यू मस्ट नॉट हैव सीन दिस टाइप ऑफ ट्रेजडीज इन वेस्ट बंगाल, आपने आपने ज्यादा नहीं सुनी होंगी, आपने असम के बारे में नहीं सुना होगा, मेघालय के बारे में नहीं सुना होगा। माई पॉइंट इज कि जो सबसे लो पर है, मतलब जो वल्नरेबिलिटी में सबसे लो पर है, अगर उसके अंदर ऐसी ट्रेजडी आ सकती है, आपको उत्तराखंड का ट्रेजडी याद होगा, ठीक है, आपको फ्लड वहां के याद होंगे, आपको वहां के अर्थक्वेक याद होंगे, अगर उत्तराखंड के अंदर ऐसी ट्रेजडी आ सकती है जिसके कारण लैक्स ऑफ लैक्स लोग मारे जा रहे हैं, तो जस्ट टेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस, एक गैस लेने की कोशिश कीजिए, अगर सेम टाइप की ट्रेजडी अगर असम के अंदर आती है तो कितनी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मतलब उत्तराखंड इज द लीस्ट ऑफ द वल्नरेबल, मतलब स्टेट्स के अंदर, राइट, यहां पर प्रेजेंट है, बट असम यहां पर हाईएस्ट में अंदर है। सो अगर उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो असम के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? वी नीड टू थिंक अबाउट दैट, वी नीड टू एक्चुअली स्टॉप। हमें हमारे कारण जितने भी प्लैनेट के ऊपर जितने भी प्रेशर बढ़ रहा है उस चीज को यहां पर रोकने की जरूरत है। अब देखिए जैसे जैसे हम प्लैनेट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ह्यूमंस जो प्रेशर डाल रहे हैं, उसके कारण अर्थ अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो जब अर्थ खुद को रीअरेंज करता है ना, तो लगातार वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, बहुत ज्यादा लीथल हो सकता है, और जब ये डिस्ट्रक्टिव और लीथल होता है तो एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर मतलब डिस्ट्रक्शन से सबसे ज्यादा वो किसको होता है, अफेक्ट किसको होता है, हार्म किसको होता है, दैट इज टू द पीपल हु आर लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि जो पुअर पीपल होते हैं। जो पुअर पीपल होता है वो क्लाइमेट चेंज को प्रॉपरली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जो रिच पीपल है दे एक्चुअली
दे कैन अफोर्ड इट, ठीक है। सो समझिए, अगर हम फ्रेजाइल वर्ड यूज करते हैं तो फ्रेजाइल वर्ड हमें यहाँ पर अर्थ के लिए यूज नहीं करना है, फ्रेजाइल वर्ड हमें यूज करना है उन पीपल और एनिमल्स के लिए जिनको एक्चुअली प्रोटेक्शन चाहिए। और स्पेशली अगर आप अर्थ के लिए फ्रेजाइल यूज करना चाहते हैं देन वी नीड टू यूज पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर टर्म इन अ सेंस कि हमें किस तरीके से अपने अर्थ को बचाना है। अगर आप अर्थ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बचाने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज ठीक हो जाएगी। अब ये सब चीजें तो हमने बात की किस तरीके से हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है, अब इसको हम हल्का सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं इंडिया पोजिशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस के साथ। इंडिया ने क्या बोला रिसेंटली, इंडिया रिसेंटली जाती है ग्लासगो समिट के अंदर, इंडिया जाकर वहां पर स्टेटमेंट देती है दैट वी कमिट टू द नेट, जो हमारा नेट जीरो वाला जो टारगेट है उसको हम 2070 रखते हैं, मतलब 2070 तक हम अपने कार्बन को जीरो कर देंगे। जस्ट ट्राई टू टेक मतलब यू नो एक इसको थॉट दीजिए, 2070 तक अगर हम नेट जीरो को मतलब जीरो करते हैं, मतलब कार्बन एमिशन को अगर हम जीरो करते हैं तो व्हाट अबाउट टिल 2070। अभी हम 2022 के अंदर है ना, वी हैव अराउंड 50 साल, हम 50 साल 2070 तक पहुंचने के लिए, तो डू वी मतलब डू यू रियली थिंक 50 साल के अंदर हम यू नो पूरी तरीके से कार्बन को यूज करते रहेंगे। एंड देन हम सेकंड तरफ हम ये भी होप करेंगे कि हमारी जो हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना हो, क्या चीज पॉसिबल है? हमें देखिए आपको ये नहीं लगता कि 2070 यहां पर, देखिए ऑल्दो इंडिया ने अपने हिसाब से किया है, इंडिया ने यह बोला है कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी सिर्फ कोल प्रेजेंट है, इनके पास सोलर एनर्जी विंड एनर्जी प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारे पास लिमिटेड एक्सेस है इस पर्टिकुलर एनर्जी की, इसलिए हमें अभी भी फॉसिल फ्यूल को यूज करना जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया अगले 50 साल तक लगातार कोल प्लांट्स को यूज करता रहेगा, इंडस्ट्री और रोड्स को बनाने के लिए कोल को यूज करता रहेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ को वल्नरेबल मतलब बनाता रहेगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ को रिस्क पे डालता रहेगा। तो पॉइंट बीइंग, क्या हम 2070 का वेट कर सकते हैं अपने कोल की कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए? क्या हमें ये चीजें आज करने की जरूरत नहीं है? ठीक, इस पर ध्यान सोचिए आप, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टाइप के अननोन अननोन्स हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो कि डायरेक्टली इंडायरेक्टली हमारे क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं। हमारे इंडिया की साइज, इंडिया की पॉपुलेशन मतलब इतनी ज्यादा है कि अगर 1% अगर सिंगल एक फॉसिल फ्यूल पर जलाता है ना, तो हमारी जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है उसका टेम्परेचर अकेला ही 1 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। द पॉइंट बी, इंडिया को यहां पर इस चीज का वेट नहीं करना होगा कि हम 2070 जाकर तब जाकर हम अपने कार्बन के मतलब यूज को यहां पर रिड्यूस करेंगे, हमें इस चीज को एक्सेलरेट करना होगा, हमें इसी को प्रायोरिटाइज करना होगा, हमें अपने ट्रांजिशन को अभी से ही स्टार्ट करना होगा टुवर्ड्स द एनर्जी सोर्सेस, हमें सोलर एनर्जी की तरफ विंड एनर्जी की तरफ आज ही मूव करना होगा, वी कांट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। हम 2070 का वेट नहीं कर सकते, अगर हम 2070 का वेट करेंगे तो हो सकता है कि प्लैनेट उस टाइम तक बची ना हो, मतलब प्लैनेट उस टाइम इस मतलब काबिल ना बची हो, इस लायक ना बची हो कि उसको बचाया जा सके। मतलब देखिए इफ ऑब्वियसली देखिए, अगर ध्यान सोचिए, अगर इंडिया यूज नहीं कर रही, मतलब इंडिया अगर कोल को यूज करना बंद नहीं करेगी तो क्या डिफरेंट कंट्रीज करेंगे? क्या डिफरेंट कंट्रीज और भी तो बहुत सारी कंट्री, इंडिया इज नॉट द ओनली प्लैनेट। अगर इंडिया देखिए, अगर इंडिया ऐसा होता कि इंडिया इज द ओनली प्लैनेट तो इंडिया उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता था, बट द पॉइंट इज इंडिया इज नॉट द ओनली प्लैनेट, और भी बहुत सारी कंट्रीज जो कि लगातार कोल को यूज कर रही है एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो हर एक कंट्री अगर ये बोलना स्टार्ट कर देगी कि हम अभी डेवलपिंग मतलब में फेज में है, अभी हम डेवलप कर रहे हैं इसलिए हमें कोल चाहिए, तो ऑब्वियसली ये सब जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज का यहाँ पर लीडर माना जाता है, तो इंडिया नीड्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। इंडिया को जितने भी कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर शो करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम कोल से यू नो मूव ऑन कर सकते हैं, सोलर एनर्जी की तरफ, जो टाइडल एनर्जी है उसकी तरफ, विंड एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं। नाउ द प्लस पॉइंट इज कि इंडिया लगातार इस चीज के ऊपर मूव कर रहा है, इंडिया ने सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए सोलर अलायंस बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, टाइडल एनर्जी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, विंड एनर्जी के लिए हमने जियोथर्मल जो विंड प्रोजेक्ट्स है उसको लॉन्च किया है। द पॉइंट बीइंग, इंडिया इसके लिए कर रहा है बट वी नीड टू स्टेप अप, हमें थोड़ा सा और ज्यादा करने की जरूरत है, और 2070 का जो टारगेट है हमारा नेट जीरो का, उस चीज को 2070 का वेट नहीं करना है, वी नीड टू यू नो अडॉप्ट इट एज सून एज पॉसिबल, वी नीड टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। तो ये थे हमारे दोनों आर्टिकल, आई होप आपको दोनों आर्टिकल समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।